अच्छा, अब हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनकी उम्र लगभग 50-60 के आसपास, और उनका कहना है कि वो पहली बार कांवड़ लेके आए हैं। और आज मैं इनसे ऐसा सवाल पूछूंगा, चाहे वो इसका बुरा माने चाहे भला माने, पूछूंगा जरूर। क्या नाम है सर आपका? पतराम सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी का लोनी का। अच्छा, लोनी से हैं आप। अच्छा, आपकी उम्र कितनी होगी लगभग? 64 साल। 64 साल, तो आपकी पहली कांवड़ है? हाँ, पहली कांवड़ है। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा इतनी उम्र में आप पहली कांवड़ लाए हो, इसके पीछे क्या रीज़न है? अब तक क्यों नहीं लाए? रीज़न क्या, कभी इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। पहले शुरू में गांव में पढ़ते रहे, उसके बाद जॉब लग गया, 60 साल जॉब में बीत गए, कभी टाइम नहीं लगा। अब रिटायर हुए, थोड़ा सा इधर उधर घूम रहे हैं अब। अच्छा, बात कर ली जाए, जब आप हरिद्वार में गए आपकी पहली बार, तो हरिद्वार तो कई बार पहले हुआ है हमें, वो गए थे आप, लेकिन जैसे आप कांवड़ यात्रा लेके गए हो, आप पहली बार गंगा में आपने डुबकी लगाई, तो क्या सोच समझ के लगाई? क्या सोच समझ के लगाई? पहली बार डुबकी नहीं लगाई मैंने, डुबकी तो कई बार, लेकिन कांवड़ यात्रा में तो आपने पहली बार लगाई। देखिए, जैसे कि हमारा हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है हमारा, और हमारी गंगा मैया है, गंगा को हम बहुत बड़ी मानते हैं, ठीक है, पवित्र है, ठीक है, तो आदमी उसी धारणा से जाता है गंगा पर नहाने के लिए। सुना है डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं, तो आपके मन में क्या? ऐसा तो कुछ नहीं है कि आदमी कर्म कुछ करे और पाप धुल जाए उसके, ऐसा तो कुछ नहीं होता, मैं तो नहीं मानता इन चीज़ को, लेकिन हमने सुना है ऐसा। कुछ भोले भक्त कहते हैं, मैं आपकी जेब काट के ले जाता हूँ और गंगा में नहा लेता हूँ, क्या मैं उसी पे क्वेश्चन कर रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ, कुछ लोगों का ये कहना है कि गंगा में डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं, तो मैं जानना चाहूंगा, क्या किसी का मर्डर कर वो गंगा में डुबकी लगा ले तो क्या उसके पाप धुल जाएंगे? क्या गवर्नमेंट उसको सजा नहीं देगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि इनका कहना, आप कर्म तो सुकर्म करो नहीं और पाप धुलने चले जाओ, रात दिन जेब काटो, चोरी करो और मर्डर करो और गंगा नहा लो, तो सब कुछ धुल गया आपके? चले जी, दिल का मैल नहीं धुलेगा, पहले मैल कहीं धुलेगा नहीं, पहले दिल का मैल धो तभी गंगा में धुलेगा, साफ होगा। अच्छा, बात कर ले जाए, आपकी उम्र कितनी? मेरी ऐसी होगी 40-45 साल। 40-45 साल। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ, बड़े बड़े भी कहते हैं हमारे कि कांवड़ आप चाहे 10वीं लाओ चाहे लाओ 12वीं, और माता पिता की सेवा ना करो तो उस कांवड़ यात्रा का फायदा क्या? अधूरी है सर, अधूरी है, अधूरी है ना, पहले माँ पिता की सेवा उसके बाद में कांवड़। अच्छा, मेरे साथ यहाँ भोले भक्त भी हैं। इस जमाने में माँ पिता तो मार्ग बाहर कर देते, दूसरे संत बना रखे उनके पाए पूज रहे, तो वो भी गलत है, तो उसमें कुछ नहीं मिलना है। अच्छा, मेरी बात का बुरा मत मानना, यहाँ काफ़ी शिव भक्त भी हैं और जो आपकी सेवा कर रहे हैं वो भी हैं, यानी कि सभी मेरी तरफ से यहाँ पे भोले हैं। यहाँ कितने शख्स मौजूद हैं जो अपनी माता पिता की सेवा करते हैं और तब कांवड़ की तरफ ध्यान देते हैं? भाई, हम अपनी कह सकते हैं, मैं लोनी में रहता हूँ, आप माँ पिता तो गुजर गए, माँ रह गई है, माँ से आप कभी पूछ लेना कि मैं सेवा करता या नहीं करता, अपने तरफ से बड़ा ही करने, सभी कहेंगे माँ की सेवा करते, ये तो कोई नहीं कहेगा कि नहीं करते, ये तो कोई नहीं कहेगा नहीं करते, सब करते हैं, लेकिन जब तक उनके जवान से संतुष्टि नहीं मिले तब तक किसी को बेटा सेवा नहीं करता। अच्छा, बात कर ली जाए जल को लेकर, हरिद्वार से जल लेके आते हैं, सभी आते हैं, सबको पता है, लेकिन मैं बात करूं, अगर आप एक नलके का पानी, यानी समर सेविल, अब तो समर सेविल नलके बहुत कम है, तो अगर हम 3 दिन भी उस समर सेविल के पानी को किसी बॉटल में रख दें तो उसमें बदबू हो जाती है, ख़राब हो जाता है। गंगा जल में ऐसा क्या है जो साल भर भी रख दे, 10 साल भी रख दे, उसमें महक तक नहीं होती, ऐसा क्या राज? नहीं होगा। अब गंगे जी हरिद्वार से निकले, नीलकंठ से निकली हैं, गोमुख से आ गई नीलकंठ होते हुए, उसके आगे नहर एक बन जाती है, वो नहर यहाँ भी आती, वही पानी आता है, और वहाँ नहाते धोते भर के लाते पवित्र है, सब नहाते सब उसमें कपड़े लेते, तो गंदगी भी बात है, वहाँ पवित्र है, पी लेते हैं, यहाँ नहर आ रही है उसमें कोई भर के नहीं रखेगा ना पी के रखेगा, इसलिए पवित्र मान लीजिए गंगा जी।